जीवन के दो अमूल्य आधार स्तंभ यानी प्रार्थना और पुरुषार्थ। सच्चे मन से प्रार्थना करने से प्रभु वहां भी राह बना सकते हैं जहां राह नहीं होती। बस उस राह पर चलने का पुरुषार्थ हमें करना है, जैसे सुवर्णा ने किया। तो आओ तुम सबको सुनाती हूं सुवर्णा की ये मनमोहक कहानी। नाचने गाने और तैरने से किसी की फितरत और तासीर नहीं बदलती। वारांगना वेल है, वेल। उनका हमारा नहीं है कोई मेल। ओह गॉड, आई एम गोइंग टू क्लाइम अप। चुप जाओ, तैर जाओ। प्लैंकटन और कोरल की झाड़ियां पार कर ली है उन्होंने। सब्र फ
दफा दफा हो जाओ। चलो 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 चलो, चलो। ईश्वर हमें जन्म ही क्यों देते हैं, जब इतनी क्रूर मृत्यु देनी है? मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, पर उस मृत्यु का क्या जो हमें रोज पल पल मारती है? उस मृत्यु का नाम डर है। डर? हाँ, डर, भय, फियर। बताओ सुवर्णा, तुम्हें किन किन चीजों से डर लगता है? अंधेरे से, भूत से, एग्जाम से, माँ बाबा टीचर से, और वारंगना और बड़ी मछलियों से। क्या तुम्हें पता है डर से मुक्ति की चाबी तुम्हारे हाथ में है? अंधेरे को रोशनी से दूर किया जा सकता है, भूत में से अंधविश्वास निकालकर उसे मार सकते हैं, पढ़ाई अच्छे से करके परीक्षा का डर भगा सकती हो, प्रेम, आदर और संस्कार से माँ बाबा और गुरु को जीत सकती हो तुम। और वारंगना और उसकी टोली के डर को कैसे मिटा सकती हूँ? उनका सामना करके। मेरी साइज देखी है, वारंगना का सामना मैं कैसे कर सकती हूँ? सामना शक्ति से ना कर सको तो भक्ति से करो, बल से ना कर सको तो बुद्धि से करो। पहेली मत बुझाइए, बताइए ना, ये रोज रोज की संगार का अंत कैसे लाया जाए, कैसे डर से मुक्ति पाए? पर दादी टौरा वही रास्ता दिखा सकती है, उनकी बूढ़ी आँखों में सदियों का ज्ञान है। उन बूढ़ी आँखों ने समुंदर को बदलते देखा है सुवर्णा। अच्छा, तो मैं जरूर मिलूंगी उनसे। तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे पता चला सुवर्णा, उस समस्या का हल तो है, पर वो गहराइयों में है सुवर्णा। ज्ञान उसे मिलता है जो उसे खोजता है बेटा, रास्ता उसे मिलता है जो चल पड़ता है। जैसे सीप में मोती छुपा होता है, हिम्मत बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर होती है, उस हिम्मत को खोजना पड़ता है। मीठे पानी के पार, खारी गहराइयों में है हम सबको बचाने का ब्रह्मास्त्र। टोरा दादी, मैं जाऊंगी गहराइयों में, आप बस मुझे मैप दीजिए। ये है नक्शा, इसे मैं GPRS में फिट कर दूंगी। GPRS? वो क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग। ओफो, छोड़िए, आपको नहीं पता चलेगा, मैं पहुंच जाऊंगी दादी। इतना आसान नहीं बिटिया, आज तक जो इस मिशन पे गया है या मरा है या मारा गया है। मीठे पानी की मछली होकर खारे पानी में लड़ना है तो कल से व्यायाम शुरू करना होगा, मन से और तन से तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा, तभी तो उस दुनिया का सामना कर पाओगी तुम। जो करो वो सही करो, भले कम करो पर रोज करो, फिर वो पढ़ाई हो, पूजा हो, भक्ति हो या व्यायाम हो, इससे बदन और दिमाग में अनुशासन आता है। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें
हमें बड़ा बनाती है। उत्कृष्टता एक दिन की नहीं, रोज की मेहनत से आती है। ये याद रहे मछली रानी सुवर्णा। दौड़ के लिए अपने आप को तैयार किए बिना मंजिल की ओर नहीं भागते। जैसे बिना पढ़े एग्जाम नहीं दे सकते, वैसे बिना प्रैक्टिस किसी भी रेस में उतरना यानी हार को न्योता देना। मैं थक गई हूँ, डीमोटिवेट हो गई हूँ, नहीं करनी मुझे ट्रेनिंग। गुरु का अपमान अक्षम्य अपराध है। भरोसा रखो अपने आप पर, अपने ईश्वर पर। मेहनत करो, प्रार्थना करो, ध्यान धरो सुवर्णा, ध्यान धरो। गो सुवर्णा गो, कंसिस्टेंसी एंड रेपिटेशन, गो गो गो। धोबी जा छोकरी, खबरदार, खबरदार जो इस सीप को हाथ लगाया। कौन? ओमकार सीप का आठ हाथों वाला चौकीदार, रक्षक, रक्षक। इस सीप को ओमकार को तो हर कोई पूछता है। मैं इसे चुराने नहीं, इसके अंदर का मोती लेने आई हूँ। टोरा दादी कहती है इससे हमारी पूरी बिरादरी बच जाएगी। सवा शेर सूट खाई ने निकली छो,
इस मोती के लिए तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। है हिम्मत? हिम्मत भी है और शक्ति भी। इसी पल के लिए तो टोरा दादी ने मुझे तैयार किया है। सिन कन्या नाजुक नट खट बालक कन्या, मत समझ तू नाजुक मुझको, वार करेगी जम कर कन्या। तुझे फंसाऊं तुझे नचाऊं, गोल गोल मैं तुझे घुमाऊं, हाँ गोल गोल मैं तुझे घुमाऊं। मूर्ख सिद्धी हट्टी कन्या, आई लड़ने निहत्थी कन्या। बुद्धि बल साहस है मुझ में, मत समझो निहत्थी कन्या। दादी का विश्वास है मुझ में, सीख के आई है ये कन्या, ले जाएगी मोती कन्या, ले जाएगी मोती कन्या, ले जाएगी मोती कन्या। धरती पर चारण कन्या थी, समंदर में तू है। क्यों पंगा लेने निकली है? जान से जाती तो अपनों की रक्षा करने में जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। अरे तू तो मुझे हराने से रही, पर एक और तरीका है ओमकार मोती हासिल करने का। वो कौन सा? जो बल से नहीं मिलता उसे बुद्धि के रास्ते हासिल करते हैं। लड़ाई हर समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी दो पहेलियों का जवाब देना होगा। पहेली? पूछिए। दोनों महसूस होते हैं, दिखते नहीं। एक हो तो दूसरा नहीं। एक बंदी बनाता है, एक छुड़ाता है। सुनी है ऐसी पहेली कहीं? डर और श्रद्धा दोनों दिखाई नहीं देते। श्रद्धा हो तो भय नहीं, भय हो तो श्रद्धा नहीं। डर कैद कर लेता है और भक्ति मोक्ष देती है। वाह, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दूसरी पहेली? खुद तो खारा होता है पर मीठी फसलें बोता है। बह जाए तो काम का, पास रहे तो खोटा है। पसीना अर्थात परिश्रम। खारे पसीने से हर काम मीठा होता है, उसे बहाने से काम आसान होता है। शाबाश, श्रद्धा और परिश्रम ये दो चाबियां हैं। यही तो मंत्र है जीवन जीने का।
इन दोनों से हर मुश्किल, हर डर को दूर किया जा सकता है। ले जा छोकरी, सीप का मोती तुम्हारी राह देख रहा है। ये मोती कोई खजाना नहीं, बस एक प्रतीक है। ये याद दिलाने का कि हिम्मत हमारे अंदर होती है। तुम इसे पाने यहां तक आ सकती हो तो हर डर का सामना कर सकती हो। ये लो बेटी, इसे ले जाओ। लेकर अरे ये तो वारंगना और उसकी टोली है। डरो, अरे रुक जाओ, मत डरो। जहाँ प्रार्थना और पुरुषार्थ है वहाँ डर नहीं रह सकता। डर को भगाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अब शक्ति है हमारे पास, गुरुजन का आशीर्वाद है, हर मुश्किल का सामना करेंगे हम। इतिहास गवाह रहेगा, अब से ये दरिंदे समंदर के शांत जीव कहे जाएंगे, जो गहराइयों में रहेंगे और मछलियां कम, प्लैंकटन ज्यादा खाएंगे। सुवर्णा, तुमने प्रार्थना और पुरुषार्थ से सब बदल दिया बेटी। जीती रहो, जीती रहो। सब बदला जा सकता है टोरा दादी, चाहिए तो बस लड़ने की हिम्मत, अथक पुरुषार्थ की तैयारी, उसीना बहाने का जोश और ईश्वर में पूरा विश्वास। इस मोती ने आज हम सब कुछ हुआ है। चलिए पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के दिए गए पुरुषार्थ और प्रार्थना के सूत्र से हमारा कल बेहतर बनाए।